हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल FMS मेड इजी विद प्रदीप बामल। आज हम शिफ्ट हैंड ओवर रिपोर्ट के बारे में जानेंगे कि शिफ्ट हैंड ओवर रिपोर्ट क्या होती है और इसको कैसे बनाते हैं, और इसका फॉर्मेट भी आपको बताएंगे कहाँ से अवेलेबल हो पाएगा। ये सुपरवाइजर और जो भी एग्जीक्यूटिव लेवल के जो लोग होते हैं, जो तीनों शिफ्टों में जिनको वर्क करना पड़ता है या सिंगल शिफ्ट भी रहता है, तो उसको जो एक बेसिक फॉर्मेटिंग होता है शिफ्ट हैंडओवर रिपोर्ट, शिफ्ट को कैसे हैंडओवर करते हैं और उसको अच्छी तरह डिफाइन किया गया है, तो इसके बारे में बताते हैं। ये है साइट नेम, यहाँ पे आप अपना साइट नेम डाल सकते हैं। ये आपकी SHR होगी विद इक्विपमेंट फीडबैक। इसमें मैंने क्या क्या लिया है, ट्रांसफार्मर लिया है, DG सेट को भी लिया है, लिफ्ट्स लिया है और काफ़ी चीज़ें हैं जो मैंने इसके अंदर ली हैं। जैसे ट्रांसफार्मर, मेरे पास कितने ट्रांसफार्मर हैं, ट्रांसफार्मर 1 और ट्रांसफार्मर 2, उसका मैंने KVA मेंशन किया है, कितना KVA है, उसका मेक मेंशन किया है, उसका सीरियल नंबर भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं और किस लोकेशन में लगा हुआ है। लोकेशन तक आपको एक बार इसको फिल करना पड़ेगा, उसके आगे आपको नहीं करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे उसको बाद आपको उसको करना पड़ेगा कि उसका स्टेटस ओके है या नॉट ओके है। अगर ओके है तो आप इसमें खाली ओके डाल सकते हैं, अगर नॉट ओके है तो यहाँ नॉट ओके लिख के कि प्रॉब्लम क्या है उसके अंदर, ऑयल लीकेज है, सिलिका जेल प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट है, या जो भी रहता है आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। उसी तरह DG सेट का रहता है, DG सेट में आपका कितना डीजल बैलेंस है ये आप बेसिक डाल सकते हैं, कि यही रहता है कि मेरा DG कम से कम एक अच्छे लेवल पे बैलेंस होना चाहिए, मिनिमम 60-70%। इसमें DG सेट आपके पास कितने लगे हुए हैं, किस मेक के हैं, सीरियल नंबर क्या है, लोकेशन क्या है, उनका स्टेटस क्या है। सपोज बी चेक ड्यू है, ओके है, उसका रिमार्क में आप डाल सकते हैं कि बी चेक ड्यू एंड शोन शो, या आप जो भी उसके अंदर प्रॉब्लम रहती है आप वो मेंशन कर सकते हैं इसके अंदर। फिर लिफ्ट्स कहा जाता है, लिफ्ट्स का आपका स्टेटस कैसा है, वर्किंग है नहीं है, कौन सा लिफ्ट है, वो सब आप मेंशन कर सकते हैं। फिर उसके बाद UPS आ जाता है, UPS सिस्टम, तो UPS में आपके पास कौन सा UPS है, अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं, या आपके पास कोई दूसरी कोई इसकी जगह एक्स्ट्रा कोई आइटम है तो उसको इंसर्ट कर सकते हैं आप इसके अंदर। एयर कंडीशनिंग है, एयर कंडीशनिंग आपके पास क्या क्या है वो आप कर सकते हैं। आपका VRB सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग का जो VRB सिस्टम है वो कैसा है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम है आपके पास, इलेक्ट्रिकल सिस्टम सब नॉर्मल कंडीशन है, या ACB में प्रॉब्लम है, VCB में या कोई फॉल्ट है वो आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। AV सिस्टम, ऑडियो विजुअल सिस्टम है, वो आपका स्टेटस कैसा है, अगर नहीं है तो आप इसको हटा सकते हैं। CCTV है, BMS है, फायर फाइटिंग है, इसके बारे में अगर आपको 1 लाइन नहीं आता तो इसको आप आगे एक्सटेंड कर सकते हैं और इसको प्रॉपरली जो भी रिमार्क्स के साथ इसको फिल कर सकते हैं इसमें। और नीचे आ जाता है मेजर जॉब कैरिड आउट, अपने डे बाय डे में जो भी मेजर जॉब्स या जो भी वर्क रहता है आप वहाँ यहाँ मेंशन कर सकते हैं 1, 2, 3 करके कि आपका वर्क क्या हुआ। फिर फॉलो अप्स, कई बार होता है कि हमारा कोई वर्क पेंडिंग है, सपोज मेरा ए चेक पेंडिंग पड़ा हुआ है या बी चेक पेंडिंग पड़ा हुआ है, तो मेरे को वेंडर से फॉलो अप करना है, किससे करना है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब हम इसमें डाल सकते हैं। मुझे आज फॉलो अप कर लिया है, या आपके मेल्स का फॉलो अप है, कुछ अर्जेंट वर्क है, तो वो आप फॉलो अप में और पेंडिंग जॉब में आप डाल सकते हैं। कोई मेजर फॉल्ट है, डिफेक्ट है, तो आप उसमें वो डाल सकते हैं, पेंडिंग है तो आप इसमें नीचे डाल सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसको कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो एक वेबसाइट है www.bamaltechnology.com से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अपनी साइट पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलें, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।